Hi friends, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स द वाटर. सो आपके जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स दे रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि मेटल है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एंड अपॉन रिएक्शन विद वाटर दिस विल लीड टू द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स. तो जैसे लिथियम जो है आपका वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड दिस विल गिव द लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी. ऐसे ही सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड दिस विल गिव यू द NaOH प्लस हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड. ऐसे ही पोटेशियम जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करेगा एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड एंड H2 जो है वो आपकी रिलीज होगी. और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो रिएक्शन जो है हमारी वो और ज्यादा वायलेंट होती जाती है. तो जो आपकी लिथियम है मतलब वो बहुत आराम से वाटर के साथ रिएक्ट करती है. सोडियम जो है वो वाटर के सरफेस पे ही मेल्ट हो जाती है एंड जो मोल्टन मेटल है वो एकदम से फायर को कैच कर लेता है. इसलिए सोडियम को मैंने आपको बताया था कि वो कैरोसिन में स्टोर किया जाता है. और जो पोटेशियम है उसका भी जो मेल्ट है वो भी एकदम से फायर को इजिली कैच कर लेता है. Now, because of their large negative reduction potential, these act as the better reducing agent. तो इनका जो reduction potential है वो काफी ज्यादा negative है. मतलब ये क्या करेंगे? They will act as the reducing agent. मतलब खुद oxidize होंगे और दूसरे substance को ये reduce करेंगे. इसलिए ये क्या करते हैं? They react with the compounds containing the acidic hydrogen, जैसे कि water मैंने आपको बताया, या फिर आप alcohol ले सकते हो या फिर एसिटिलीन, तो उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे और H2 गैस को रिलीज करते हैं. लिथियम जो है आपका इट इज द लीस्ट रिएक्टिव, व्हाइल द रिएक्टिविटी ऑफ द अदर मेटल्स जो बाकी के अल्कली मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर एंड अदर एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड इट इंक्रीजेस फ्रॉम द सोडियम टू सीजियम. तो लिथियम जो है वो आपका रिएक्टिव नहीं होता, पर बाकी के जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं हमारे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं विद द वाटर या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो आपको हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन दे सके, जैसे कि अल्कोहल या फिर आपका एसिटिलीन. अब लिथियम की लो रिएक्टिविटी का रीजन क्या है? तो आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है और गिब्स फ्री एनर्जी, इसके बीच में ये रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट. तो यहाँ पे क्या है कि N जो है आपका वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज लॉस्ट बाय द मेटल, और जो F है वो आपका यहाँ पे क्या है, फैराडे कांस्टेंट. तो ई नॉट जो है आपका लिथियम के लिए दैट इज Li प्लस प्लस ई माइनस, दिस विल गिव यू द लिथियम. तो इसका जो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज -3.04 वोल्ट. तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है. तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये नेगेटिव हो गई तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा हमारा, वो पॉजिटिव आ जाएगा. और अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन मतलब नहीं होगी. पर अगर इसका हम रिवर्स लें दैट इज लिथियम गिव्स लिथियम प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है कि डेल्टा जी नॉट की काफी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो है वो आएगी. इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम क्या करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद द वाटर. बाकी के एलिमेंट्स इतनी एनर्जी लिबरेट नहीं करते, पर जब लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो काफी ज्यादा एनर्जी को ये लिबरेट करता है. और जो सोडियम है वो काफी कम एनर्जी लिबरेट करता है, इट रिएक्ट्स मोर विग्रसली एंड द हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस दैट कैचेस द फायर. सो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, वो काफी कम काफी नेगेटिव है, इस वजह से डेल्टा जी जो है उसका पॉजिटिव हो जाता है. अब लिथियम इस तरीके से बिहेव क्यों करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड इसकी स्मॉल साइज की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो काफी ज्यादा. सो दिस इज हाउ द अल्कली मेटल्स दे रिएक्ट विद द वाटर. थैंक यू.